हेलो फ्रेंड्स, फूडीज एंड गुडीज फैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पोंचो बनाने जा रही हूँ जो कि 5 से 7 साल के बच्चे के लिए ठीक रहेगा। उसके लिए मैंने 5 नंबर की सिलाइयाँ ली है और साथ में मैंने वूल ली है। वूल जो है वो 250 ग्राम के करीब है। और अब मैं सबसे पहले स्टिचेस डाल लूँगी। स्टिचेस आप अपने तरीके से भी डाल सकते हैं, या जैसे मैं डाल रही हूँ आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं स्टिचेस जो है वो 75 स्टिचेस डालूंगी। तो मैंने 75 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब मैं इसको बुनना शुरू करूंगी। सबसे पहली सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी बुननी है, निट करना है। और जो दूसरी सिलाई है उसको भी मैंने निट ही करना है। इस तरह से हमारी 2 सिलाइयाँ जो हैं वो निट हो जाएंगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो रो है वो हमारी निट कर लेनी है। उसके बाद जब हमारी थर्ड वाली रो आएगी उसमें हमने सिर्फ 55 स्टिचेस को ही, यानी 55 स्टिच को ही हमने निट करना है, सीधा सीधा बुनना है। स्टिच हो जाने पे हम, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करेंगे। अब 20 जब हमारे रह जाएंगे तो हमने यहाँ पे एक मार्कर लगा लेना है ताकि हमें नेक्स्ट टाइम पता रहे कि यहाँ से हमने हमेशा टर्न करना है। तो अब वहीं से वापस आ जाऊँगी। जो पहला स्टिच है उसको बिना बुने उतारना है वापसी में, और फिर उसके बाद से फिर उसको मैं सीधा सीधा ही बुन लूँगी। इस तरह से ये पूरी सिलाई होने के बाद ये हमारी 3rd और 4th सिलाई जो है वो हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीधी सीधी ही सिलाई बुननी है, लेकिन बस ये देखना है कि हमने टर्न कहाँ पे करना है। हमेशा हमने सीधी ही सिलाई बनानी है। ये बहुत ही इजी पैटर्न है। तो ये अब हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम 5th रो बनाएंगे। उसमें भी हमने सीधा सीधा बुनना है, लेकिन 45 स्टिचेस को बुनना है। लास्ट टाइम हमने 55 तक बुना था, इस बार हमने 45 तक ही बुनना है। अब यहाँ पे भी हम एक मार्कर लगा लेंगे और यहाँ से फिर वापस बुना है। और पहला जो है वो बिना बुने ही उतार लेंगे और उसके नेक्स्ट जो है वो सारा सीधा ही बुन लेंगे। जब ये सिलाई हमारी पूरी हो जाएगी तो इस तरह से हमारी 6 रो हो जाएंगी। अब हमने इन्हीं 6 को बार बार रिपीट करना है। अब हम इसको इसी तरह से रिपीट करते हुए बुनते जाएंगे।
ये ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है, क्योंकि हमें जो है वो 15 इंच नेक साइड की तरफ से चाहिए। तो ये 15 इंच हो चुका है और अब मैं सिर्फ 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी ही बुन लूँगी। अब हम अपने जो मार्कर लगाए हैं वो भी निकाल देंगे। ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो मैं एक एक बुनकर दूसरे को उसके ऊपर से निकालती जा रही हूँ। इस तरह से ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये फंदे हमारे बंद हो चुके हैं। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये जो छोटा पार्ट है वो टॉप का नेक पार्ट हो जाएगा और बाकी जो फ्लेयर रहेगा। तो मैंने 5 इंच के बाद दोनों तरफ एक एक हुक लगा दिया है ताकि वो बंद किया जा सके। इस तरह से ये हमारा नेक हो गया है और नीचे फ्लेयर हो गया है। अब मैंने छोटे छोटे से पॉम पॉम हैं ये मैं सारे फ्लेयर पर लगा दूँगी। इनको स्टिच कर रही हूँ। ये हमारा पॉम पॉम जो है वो लग गया है। तो 2-2 इंच की दूरी पे मैं सारे फ्लेयर के ऊपर ये लगा लिए हैं। फ्रेंड्स, हमारा पोंचो बनकर तैयार है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।